तेज बोलो थोड़ा। हाँ चंचल देवी नाम है नदी की, कहते ये चोट कैसे लगा है आपको? ये चोट लगा है कंपनी में, मालिक ने मेरे को भेजा है जा ऊपर से लिफ्ट माल ले आओ, लिफ्ट चालू कर देंगे वही कैसे माल लेने के लिए, जैसे माल रखे वैसे बड़ा उसी में। कितना दिन हो गया ये चोट को? 30 मई को। तो वहाँ पे कंपनी मालिक आए थे? कंपनी मालिक आए थे, क्या बोले वो? मेरे को बोला कि जाके माल ले आ ऊपर से। हाँ माल ले आ, जैसे ऊपर गए माल ले आने, ऐसे फ्रिज में रखे तभी बड़ा उसी में गिर गया। कागज है कुछ लिख कर दिए हो? कहाँ है कागज? हाँ ये जो एक्सीडेंट हुआ है धर्मदेव, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अपने पत्नी के लिए, इनको क्या हुआ है और कैसे हुआ है? कंपनी में लिख के लगे गई, 2-3 घंटा के बाद में हमारे पास खबर आया, गए कंपनी में, मालिक ने नहीं बता रहा था कि कहाँ पर गए हैं कहाँ नहीं गए, तो हम बोले कि हम पुलिस बुला देंगे तो बताए। हाँ हम बोला कि थोड़ा मोड़ा चोट है, एक लेडीज ने बोली कि बहुत गंभीर चोट है, आप चुपके से चले जाओ, तो मालिक ने एड्रेस बताया तो हम गए, तो वहाँ पर गए तो हमको दबाव देने लगा कि साइन करोगे तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ज़्यादा पुलिस केस करोगे तो जान से मार देंगे, रफा दफा पुलिस को पैसा दे। मालिक का क्या नाम है कंपनी मालिक का? भवनीत। तो फिर वो कुछ लिख करके दिया? हाँ कागज दिया कि हम पूरा इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगा तो हम ड्यूटी पर रख लेंगे। हाँ फिर उसके बाद क्या बोला? और रोज इलाज करा कर हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर फिर कागज दिया का जो केस करना है करो। तो इसके लिए वहाँ स्थानीय पुलिस से FIR की है? जी हम सभी से कॉल किया, पुलिस गया तो तनख्वाह से उन्होंने हमको पैसा दिलवाया 34,000 रुपया, हमसे पेपर ले लिया। कौन दिलवाया पैसा? मनोज। अच्छा पुलिस वाले। तो फिर पैसा लिए आप? साइन करा कर बोला कि समझौता कर लिया, फिर बोला कि जाकर 11 तारीख को बयान लिया, आज देंगे कल देंगे, 6 महीने का तनख्वाह दी इसी में कर रहे। तो पुलिस वहाँ की जबरदस्ती करके आपसे साइन कराई? मेरा मोबाइल छीन लिया, आदमी को बुला रहे थे तो बुलाने नहीं दिया। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कि सही अपन कानूनी कार्रवाई हो और इंसाफ मिले। इंसाफ मिले इसके लिए किसी को आप ज्ञापन दिए हो? जी। किसी से मिले भी हो? जी यहीं पे आए हो? जी ठीक है। हाँ आप यहाँ पे इनके साथ जो आए हो समाजवादी लेबर ट्रेड यूनियन से, तो आप क्या डिमांड रखते हो? हमारा डिमांड ये है जो इनके साथ जो दुर्घटना हुआ उसमें जो कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए वो होनी चाहिए, और इसके साथ जो इसके दफा को मामला को रफा दफा करने के लिए ASI मनोज थाना समयपुर बादली IO डॉक्टर आर्मी अस्पताल और ये जो भवनीत सिंह इसका मालिक नवजीत फॉर्म इंडस्ट्रीज का, ये तीनों मिलके जो मतलब इसके केस को ख़त्म करने की कोशिश किया तो उसके खिलाफ ही तीनों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। माननीय पुलिस आयुक्त ASI मनोज को बर्खास्त करें और भवनीत सिंह को गिरफ्तार करें और उनके ऊपर नॉन अवेलेबल धारा लगाएं। जब हमने 27 तारीख को पुलिस कमिश्नर के आने की फ़ोन किया तब इन्होंने मुझे FIR दिया, 1 महीना के बाद FIR दिया और छोटी धारा कमजोर धारा लगा के दिया। कंपनी मालिक जो है दवा कराने के लिए जो लेटर लिखा है फिर उसके बाद क्या हुआ? कंपनी मालिक ने दवा कराने के लिए जो लेटर लिखा मुझे इसका मालूम नहीं था, अभी पता चला है आपके आने के बाद इसकी जानकारी थी नहीं, लेकिन उसके बाद ये तो अपने बच्चों में लिख किया था कि हम अभी बच जाएं, तत्काल 100 नंबर कॉल होता तो डायरेक्ट अरेस्ट होता, लेकिन इसने अपने बच्चों में जो करना था कर लिया, डॉक्टर ने भी सही रिपोर्ट नहीं दिया और सही धारा बनाने की जो MLC बननी चाहिए थी उसमें जो डॉक्टर की रिपोर्ट होना चाहिए उसके डॉक्टर ने छिपा लिया है सारा कुछ, उसको दबा दिया है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर जो उसके साथ अन्याय हुआ है, कानूनी अन्याय हुआ है, जो ASI मनोज भवनीत सिंह और आर्मी डॉक्टर मिलकर तीनों किया है, इसके खिलाफ SIT गठित करके कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके नॉन अवेलेबल वारंट में इन तीनों को बंद करवाया जाए, ASI मनोज को बर्खास्त करवाया जाए। थैंक यू।